स्वागत है भाई, ढेर सारा स्वागत है आपका। बहुत बड़ा मुकाबला है भाई, इससे बड़ा मुकाबला नहीं देखा है आईपीएल के इतिहास में। ऑरेंज आर्मी के आर्मी मेरा हो गया है, अब ये दोनों बोलेंगे। इतना बड़ा मुकाबला है कि मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है, मैं फूले नहीं समा रहा हूँ। टॉप चार घड़ी आई, वो घड़ी आ गई, टॉप फोर की लड़ाई हम देखने आए। विदाउट एनी फर्दर अडू नेट टीमें बार थोड़ी बातें शुरू करूं। अरे तो बिल्कुल यार, ऐसे ही तो वापसी होती है। हाँ भाई, केकेआर ने बहुत बार यहाँ से बाजी पलटी है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से भाई पिछले मैच ऐसा कंधों से मिलते हैं कंधे भाई, कॉन्फिडेंस तो मिला होगा, बैटिंग देखी। अरे इस बार कौन से कॉम्बिनेशन के साथ आ रहे हो आप ये बताओ। नहीं नहीं ज्यादा नहीं, इनके 25 के 25 खिलाड़ी खिला चुके हैं मेरे ख्याल से, बस 10 चेंजेस होंगे पंडित जी को खेलना, बस 10-11 चेंजेस होंगे पंडित जी को, 10-11 चेंजेस। नहीं नहीं, चंद्रकांत पंडित जी को आना है थोड़ा भी, चंद्रकांत पंडित जी को आना है। चलिए भाई, ऑन अ सीरियस नोट, क्या लग रहा है केकेआर की कॉम्बिनेशन में फिर कोई बदलाव दिखेगा आपको? सवाल वही है, मैं कह रहा हूँ भैया, एसआरएच के पास एक अच्छे खासे सेट टेम्पलेट है, फेवरेट्स वही होंगे, उन पे तो बात करेंगे आराम से। अरे सवाल कर, वो तो हर कोई जानता है, तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है। होप करेगा कि भाई आप आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन वहां खेले और आपके जो प्लेयर्स हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, वो डिलीवर कर दें। आपको वही है कि आप आज होप कर रहे हो। भाई आपसे सवाल ये पूछा था कि कहीं कोई बदलाव दिख रहा है ना, मुझे लगता है कि अगर शार्दुल ठाकुर से गेंदबाजी नहीं करानी है तो खिलाओगे, 3 नंबर भेजोगे या 5 नंबर भेजोगे? शार्दुल वहीं खेलेंगे, नंबर 3 नहीं खेलेंगे। नंबर 3 पर ही, नंबर 3 नहीं खेलेंगे। वही बोल रहा है, वही कहा है, वही बोल रहा है, फिर बोल रहा है नंबर 3 नहीं खेलेंगे, बीच में खेलेंगे, बीच में, बीच में खेलेंगे, बीच में कहा 5 नंबर? नहीं नहीं, नंबर 7 खेलेंगे। 11 में तो 5 नंबर ही बीच का हुआ, 5 या 6, नंबर 7 बीच है, 7 में खेलेंगे ना। आपको बता तो वो बताइए ना आप, और कोई बदलाव उस तरीके से? गेंदबाजी मेरी तरफ से यही थी दलील, सुनील नरेन को लेकर के आपको लग रहा है? सुनील नरेन अरे रुको आप बच जाओ, ये बोल, यही बोलना था, यही खेल रहे हैं जो खेल। हां जी भाई, क्या बोल रहे हैं? क्या बोले यार, मतलब अरे यार क्या बोल रहे हैं, ये टीम पिछला मैच दिल्ली को हराया वहां पर, यार क्या बोलना, क्या लोग भूल गए, 8 मैच में कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है अभी, 6 मैच में अगर 5 जीत जाती है ना, 12 तो 4 में भाई, उसके बाद मजा नहीं आया भाई। पिछले में जीती थी ना लगातार, हारी भी थी। नहीं ठीक है, एक एक मुझे ये बताओ आपका क्या मानने लग गया। चलो अब सीरियस भाई, अभिषेक ने रन करे पिछले मैच में, वही कह रहा हूँ, अब आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या है आज के मैच में? अभिषेक और मयंक अग्रवाल, मयंक अग्रवाल खेलेंगे फिर से, खिलाओ मयंक को, कितना खिलाओगे? नहीं कितना खिलाओगे यार, बाकी टीमों पे तो आप बार बार बोलते हो, मुझे लगने बाकी टीमों पे आप बार बार बोलते हो कि भैया इसको क्यों खिला रहे हैं, इसको क्यों खिला रहे हैं, कितनी बैकिंग देंगे, पृथ्वी शॉ कितना खेलेंगे? यार मैं कह रहा हूँ, टीम मैनेजमेंट मयंक के साथ ही वहां पर जाएगी, आपके पास विवरांत है, अच्छा ऑप्शन खिला सकते, वही कह रहा हूँ, मयंक के साथ ही जाएगी। अगर आपको मयंक को बाहर करना होता आप कर देते, कभी आप उन्हें मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट कर रहे हो, कभी ओपनिंग में एडजस्ट कर रहे हो। अरे हमने किसी प्लेयर को हटा दिया ना, आप बाहर कर दोगे? अरे हमने हुड्डा को हटा दिया ना। अरे आपकी तो बात ही नहीं, आपने तो खेल भाई, मयंक ने भी पारी कैसी खेली थी, वो पूरा खेल के भी हरवा दिया था भाई। मयंक को बार कर दे को, इसमें वो थोड़ी है कि कर दो बार भाई, और हैरी ब्रुक आप वहां पर ले आओ, हैरी ब्रुक रन कब बनाएंगे? हैरी एक पारी बस खेलने आए थे क्या वो? बस हैरी ब्रुक और आपके निकोलस पुरन एक ही कैटेगरी के, एक एक पारी खेली, निकोलस पुरन ने 2 पारियां दे दी, 2-3 पारियां आ गई है पुरन की, 2-3 पारियां आ गई। अरे भाई बहुत, अरे स्टार्टिंग बहुत तगड़ी, छोटी छोटी पारियां भी उनकी आ चुकी, छोटी छोटी पारियां, लेकिन हैरी ब्रुक उस तरीके से पारी नहीं आई है, एक आपको शतक याद है, आज आ रही है वो भी, आज भाई आनी चाहिए, अगर आज भी नहीं आएगी ना फिर तो वही है दिल्ली की तरह, फिर आप जा रहे हो टीम के साथ, टीम के साथ जाना पड़ेगा फिर आपको। हैदराबाद नहीं जा रहे हो आप मैच देखने? कोई जी नहीं जाएगा हैदराबाद में, छोड़ा कहां जाने लायक, अभी अभी जीत जाए 4 में से 4 में भाई, सिंपल सी बात है, अगर हैदराबाद अभी आज का मुकाबला, आज का मुकाबला 6 में से 5 जीतने हैदराबाद, हाँ नहीं उस तरीके से, केकेआर ऑलमोस्ट वार है, पॉइंट सेवन चला सकते हैं, केकेआर ऑलमोस्ट वार है, पॉइंट सेवन चला सकते हैं यार, 5 में से 5 हमें जीतने हैं, तो हैदराबाद पॉइंट सेवन चला सकते हैं जीतना यार, ऐसा करिए यहाँ टीम में ज्यादा खेलना, में प्रोफेसर आकाश समझाएंगे आपको। नहीं नहीं प्रोफेसर आकाश को नहीं समझा सकता, ये मेरी समझ के बाहर है, प्रोफेसर आकाश पता बात क्या है, KKR, SRH, DC ऐसी टीम है ना, ये किसी से भी हार सकती है भाई, और किसी को भी हरा सकती है, पर अभी आपस में खेल ले तो कोई ना कोई तो जीतेगा। नहीं नहीं अभी देखिए, SRH ने थोड़ा मुकाबला कम खेला है, उनके 9 में 4 हो जाएंगे, आने वाले 4 में से 4 मैचेस जीत रही है, जो सीधा आपको 9वें नंबर से ना फिर दूसरे तीसरे पर दिखाई देगी, मुझे भी यही लग रहा है।
चश्मा दूर का है क्या आपका? एसआरएच यार आप तो बहुत दूर यार भाई, जब आपकी मुंबई चश्मा दूर का है क्या आपका? एसआरएच भी कर सकते हैं, मुंबई और एसआरएच में कोई वो है क्या? मुंबई एसआरएच में जमीन आसमान का अंतर है। प्लेयर से नहीं क्या, वहां पर प्लेयर्स है और अभिषेक ने अच्छा करा, आपके मयंक मारकंडा भाई लगातार अच्छा कर रहे हैं। और यार आपको अगर एक बार रिदम मिल गई उस तरीके से, दो तीन मैच आप जीत गए भाई, फिर कुछ भी हो सकता है। आईपीएल में आपने देखा है ना, देखा है बाहर तो, दिल्ली को देखो ना, दिल्ली ऐसा लग रहा था दो मैच पहले बाहर है भाई, वो दिल्ली जीतने लग गए, बताओ यार। बिल्कुल पंडित जी ने अभी तक जेसन रॉय की अपडेट क्या है, वो खेल रहे? जेसन रॉय मुझे लगता है वापस, गुरबाज ने पिछले गुरबाज ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, वही वाली बात है। ऐसा ना हो कि कहीं वो ना आए और उसके बाद आप भी सुनील ओपी की तरह हो जाए कि भंग कर रहे हैं, देखो आप उस तरीके से बॉल से यूज कर रहे हो और बैटिंग उनके बहुत लेट आ रही है, तो आप रॉय और उनके साथ गुरबाज के साथ, रॉय गुरबाज को खिलाओ, जगदीशन फिर बाहर हो जाएगा, जगदीशन को बाहर करो, जगदीशन को बाहर करो, तो लाओ अपना जो चेंजेस आज आपकी टीम में उतने ही नहीं, फिर आप यही है कि जेसन रॉय और आप गुरबाज को, वैभव अरोड़ा आ रहे हैं वापस, वैभव होंगे, वैभव होने चाहिए, उनको तीन चेंजेस तो बता दिए उन्होंने। देखिए गुरबाज, देखिए सिंपल ये जो चेंजेस है ये अच्छे चेंजेस है, अगर आप देखिए, मैं क्या मना कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि केकेआर बिना चेंज के मतलब खराब बॉलिंग से जीत रही है ना, आप बैटिंग उतनी बड़ी करते हो 200 रन चेस कर ले, बिल्कुल आपकी बैटिंग नहीं हो गई ऐसी, आगे से बैटिंग तो आप भी 200 बना देते हो यार जी, पर आप जीत क्यों नहीं रहे, बॉलिंग 230 खा लेते हैं बॉलिंग। हाँ यार इनके मतलब यार सारे बॉलर उस तरीके से रन खा रहे, देखो भाई एक टीम तो थोड़ी स्थिति अच्छी होगी, आपके हैदराबाद की स्थिति अच्छी हो पॉइंट्स टेबल में या फिर केकेआर की हो, पर हैदराबाद के बाद अभी अभी उस तरीके के चांसेस है, लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या, मार्करम के रन से नहीं, राहुल त्रिपाठी यार भाई, राहुल त्रिपाठी उस तरीके से रन कर ही नहीं पा रहे। हैदराबाद की टीम जैसी है ना, मतलब अगर आप देखिए उनका बैलेंस, अगर वो लगातार मुकाबले जीतने लग गए तो ऐसी टीम है कि 6 में जो 5 बात कर रहे हैं ना, मजाक वाली बात नहीं, 6 में 5 टीम जीत भी सकती है। मैं तो सरप्राइज इस टीम के साथ, खासतौर पर समीकरण होते हैं, समीकरण ऐसे होते हैं टीमों के, एसआरएच जैसी टीमों के लिए इनकी जो प्लेइंग 11 होती है उस तरीके से बनी नहीं पाती, और बाकी तो समीकरण आपने देखे ही है। केकेआर का जो बैलेंस है ना आप देखिए उनमें, आप कुछ नहीं कह सकते भाई क्या होगा, जीते क्या रहेगा, मैं वही कह रहा हूं, पर एसआरएच जैसी टीम में कमी कहीं नहीं थी यार, इन्होंने कह सकते हो भाई इनके पास भूवी नटराजन जैसे, इनके स्पिनर अच्छे हैं, भूवी अच्छा कर रहे हैं, मयंक आपके अच्छा कर रहे हैं, ब्रूक मार्करम हेनरी क्लासन जैसे स्पिनर्स के अच्छे प्लेयर हैं, इंडियन डोमेस्टिक जो त्रिपाठी क्लासन ने कितना इंप्रेस किया आपको, सब फिलिप्स की बात करते थे, क्लासन की बैटिंग देख लिया आपने किस तरीके की बैटिंग करके, क्लासन स्पिनर अच्छा खेलते हैं, कुछ मिसिंग नहीं लगता, तो मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि ये हारे। अभिषेक ने जो दिल्ली वाला मैच जीतना चाहिए था, जो आप पहले हारे इसलिए हारे थे, कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा, आप वो मैच जीत जाते कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपकी अच्छी होती बिल्कुल। कौन फेवरेट लग रहा है भाई अब मुझे ये बताओ, और वाइस कैप्टन कैप्टन बताओ, एसआरएच फेवरेट है, एसआरएच फेवरेट है बिल्कुल, कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन मेरे होंगे वेंकी और सुयश, सुयश हां जी, कैप्टन भूवी, वाइस कैप्टन मयंक मारकंडे, हां जी मेरे कैप्टन होंगे अभिषेक और वाइस कैप्टन होंगे रॉय, मैं भी जेसन रॉय को कप्तान बनाना चाहूंगा और वाइस कैप्टन मेरे होंगे अभिषेक शर्मा। चलिए जी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को थोड़ा सा ये फन भी रहा, बैंटर भी रहा, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें एनालिसिस भी था, लेकिन सही मायनों में इस मैच को देखने में मज़ा इसलिए भी आएगा क्योंकि आपको अब ऊपर से तो चीज़ें बदल ही रही हैं, ऊपर से जो भी टीमें हार रही है नीचे वाली टीमों को ऊपर आने का मौका मिल रहा है, लेकिन इन दोनों में से जो टीमें हारेगी ना उसमें भी मैं कहूंगा कि बिजनेस जो बीच वाली टीम है ना अभी जी, उन टीमों के लिए फायदा होगा, यहाँ से जो टीमें जीतेंगी ना ऐसा उनके लिए भी मौका आगे रहेगा कि मान लीजिए ऊपर की टीम हार रही है, इनके पास ऑप्शन बनता रहेगा, जैसे भी टीम में होप करेंगे के केआर ये गेम जीते, एसआरएच एक बार जीत वाली लय पकड़ ली ना तो ये आके आगे टॉप 4 में दावेदारी पेश कर, हां ये है कि एसआरएच थोड़ा बेटर प्लेस है समय पे केकेआर से, और लोग ये चाहेंगे ज्यादा है कि वो लगातार जीत कर, हां तो लोग ये चाहेंगे कि केकेआर जीत जाए, खासतौर पे वो लोग जो पांचवें छठे सातवें आठवें नंबर पर है इस वक्त पर। चलिए जी, अभी फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे दिन भर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, जय हिंद जय हिंद जय भारत।